एक लड़की के द्वारा पैनिक कॉल किया गया था कि कुछ लोग हैं जो उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं। हमारी तबीयत एक तांत्रिक के द्वारा झाड़ फूक करके सही की जा सकती है। उसको लेकर के आया गया, यहाँ पे बिनोद मेडिकल के पास में उसको एक रूम में रखा गया। वहाँ पर उसके साथ में लगातार 2-3 लोगों ने गैंगरेप किया। लोगों ने इसलिए जो कमरा था जहाँ पर बच्ची और ये सब लोगों को बच्ची को रखा हुआ था इन लोगों ने, हमने उसको सील भी किया है। गोपालगंज में सिवान की एक बीमार किशोरी को तांत्रिकों ने हवस का शिकार बनाया। अंधविश्वास का गंदा खेल दिखाकर पहले झाड़फूंक की, उसके बाद गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। SP अवधेश दीक्षित ने कहा कि पूरे मामले में FSL टीम की जांच कराई गई है। पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। बताया जाता है कि सिवान की रहने वाली 17 साल की किशोरी लंबे समय से बीमार चल रही थी और अपनी मां के साथ इलाज कराने के लिए गुरुवार को गोपालगंज आई हुई थी। यहां नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक पर विनोद कुमार नाम के दवा दुकानदार ने मां बेटी की मुलाकात हुई और दवा दुकानदार ने झाड़ फूक के जरिए किशोरी की बीमारी ठीक करने का झांसा दिया। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ही पश्चिम चंपारण के रहने वाले 2 तांत्रिकों को बुलवाया। दवा दुकानदार ने ही तांत्रिक को एक कमरा दिया जिसमें पूरी रात किशोरी के साथ झाड़ फूक का खेल चला। झाड़ फूक के दौरान ही दोनों तांत्रिक और दवा दुकानदार ने मिलकर किशोरी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह में पीड़िता की मां ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। गुरुवार की रात हुई घटना की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने किशोरी और उसकी मां को तांत्रिकों के चंगुल से मुक्त कराया और दोनों तांत्रिक के साथ दवा दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर के रहने वाले कृष्णा पांडे के पुत्र तांत्रिक दिवाकर पांडे, पश्चिम चंपारण के ही मुफसिल थाना क्षेत्र के ITI कॉलोनी के रहने वाले शिवनाथ पांडे के पुत्र अनिल पांडे और हॉस्पिटल चौक निवासी दवा दुकानदार योगेंद्र प्रसाद के पुत्र विनोद कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने उनके पास से लाल कपड़े में बंधा हुआ लौंग, इलायची, अगरबत्ती, मिट्टी का घड़ा और कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में FSL टीम से जांच कराई जाएगी। पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पीड ट्रायल चलाने की अनुशंसा की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को भी पुरस्कृत करने की बात कही गई है। सुबह नगर थाना क्षेत्र की डायल 112 की टीम को एक पैनिक कॉल आया था जिसमें एक लड़की के द्वारा पैनिक कॉल किया गया था कि कुछ लोग हैं जो उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं। तो गंभीरता को देखते हुए डायल 112 की टीम इमीडिएटली जो घटनास्थल बताया गया वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने बच्ची को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद में चीज़ें सामने आई कि उस बच्ची की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और उसको ये चीज़ बोल करके कि तुम्हारी तबीयत एक तांत्रिक के द्वारा झाड़ फूक करके सही की जा सकती है, उसको लेकर के आया गया। यहाँ पे विनोद मेडिकल के पास में उसको एक रूम में रखा गया। वहाँ पर उसके साथ में लगातार 2-3 लोगों ने गैंगरेप किया। तो हम लोगों ने इसमें केस दर्ज किया है और हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। तीनों कुछ एक एक व्यक्ति दो व्यक्ति पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और एक टाउन थाने के रहने वाले हैं और हम लोग इसमें इन लोगों को केस करके और आगे जेल भेजेंगे। सर, फॉरेंसिक जांच भी कराई है। हम लोगों ने FSL की टीम भी आई है। FSL की हम लोगों ने इसलिए जो कमरा था जहाँ पर बच्ची और ये सब लोगों को बच्ची को रखा हुआ था इन लोगों ने, हमने उसको सील भी किया है और हम लोग इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाए हैं और बच्ची का भी आगे जो भी विधिवत प्रक्रिया होती है मेडिकल 164 वो सब हम करा करके कोशिश करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल करा करके इन लोगों का कन्विक्शन कराएं। आपत्तिजनक सामान है, हमें आपत्तिजनक सामान इनके पास से नहीं बरामद हुआ है, लेकिन जो झाड़फूक का सामान होता था जैसे कि लौंग, काला धागा, कसैली, मटका, ढक्कन, पीतल का, जो ऐसा माहौल बनाने के लिए कि झाड़ फूक करके तुम्हारी बीमारियां सही हो जाएंगी, वो सारा सामान हमने इनके पास, सिंदूर, नारियल, वो सारी चीज हमने बरामद की। कहाँ के रहने वाले दोनों तांत्रिक सर? पश्चिम चंपारण के 2 लोग रहने वाले हैं और एक टाउन थाने का ही रहने वाला है। पूरा मामला पॉक्सो का है।